Hi, so today I gonna discuss with you all people about the nervous system of cockroach. Yes, cockroach में भी nervous system होता है. हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? एनिमल किंगडम में पढ़ा था. एनिमल किंगडम में जब हम फाइलम आर्थ्रोपोडा पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा था कि फाइलम आर्थ्रोपोडा ऑल्सो कंटेन नर्वस सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ गैंग्लियॉन. राइट, सो सी बेटा, वी आर हायर एनिमल्स, है ना. हम सबसे हायर एनिमल्स हैं. सो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कैसा होना चाहिए? हाईली कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए. सी, अगर आप हमारा ब्रेन देखोगे, अगर आप अपना स्पाइनल कॉर्ड देखोगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मिलेगा. वाई? बिकॉज वी आर हायर एनिमल्स, है ना. बट कॉकरोच की आप बॉडी देखो कितनी छोटी होती है ना. तो उनका पास भी जो नर्वस सिस्टम तो है, बट इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं मिलेगा डियर, जितना कॉम्प्लिकेटेड आपके अंदर मिलता है. तो हम यहाँ पर ऐसा बोलेंगे कि गैंग्लियॉन जो होते हैं दैट रिप्रेजेंट द ब्रेन. यहाँ पर गैंग्लियॉन जो होते हैं वही ब्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, सो कम टू द टॉपिक कि किस तरह से कैसा नर्वस सिस्टम कॉकरोच का होता है. यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक सिंपल फॉर्म में नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच को समझेंगे. और यू पीपल सी, एनसीईआरटी में कहीं पर भी नर्वस सिस्टम का डायग्राम नहीं है. राइट, सो कभी कभी क्या होता है बेटे कि हमें खुद के समझने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को इंक्रीज करने के लिए हमको एक इमेजिनरी डायग्राम खुद से बनाते हैं हम लोग, ताकि हमको अच्छे से वो चीज़ जो है वो समझ में आए. राइट, सो यहाँ पर भी मैं ऐसा ही कुछ करने वाली हूँ कि आपको नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच को एक इमेजिनरी डायग्राम से समझाऊंगी, ताकि वो आपको लर्न करने में बहुत आसानी हो. राइट, और ऐसा आप ज़रूर करना, खाली नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच में ही नहीं, जहाँ जहाँ पर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती एंड यू डोंट हैव एनी डायग्राम देयर, तो यार खुद से एक डायग्राम बनाओ, खुद से एक डायग्राम को इमेजिन करो, क्रिएट करो. बायोलॉजिस्ट हो तो बायोलॉजिस्ट का काम होता है खुद से एक डायग्राम को इमेजिन करना और उस डायग्राम को अपनी कॉपी में पेन के थ्रू ड्रॉ करना और उसके बाद उसको अपने माइंड में फिट करना. लो, हो गई थ्योरी, है ना. तो बहुत ही आसान होता है अगर हम डायग्राम के थ्रू या चीज, मतलब अपने एक आप कहते हो ना, एक फिल्म के थ्रू, मीन्स आप एक माइंड में फिल्म चला रहे हो, आप माइंड में जो है एक पिक्चर चला रहे हो, ऐसा हो रहा है, फिर ऐसा हो रहा है, फिर ऐसा हो रहा है, फिर ऐसा हो रहा है, और उसके बाद क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट आने लग जाता है और उसके बाद आपका टॉपिक खत्म होता है और आपको पता भी नहीं चलता कि मेरा टॉपिक कहाँ खत्म हो गया. राइट, नाउ कम टू द टॉपिक नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच. तो यहाँ पर हम बिल्कुल सिंपल फॉर्म में पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच. हम क्या करेंगे, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. ठीक है, टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक काम और करते हैं, यहाँ पर हम लेंगे पैरामीटर्स, मींस हम किस किस चीज को यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं. ठीक है, तो पैरामीटर्स, अब हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है. यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो हेड है, ओके, वहाँ पर गैंग्लियॉन्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, वहाँ पर नर्वस सिस्टम मिलता है कि नहीं मिलता है. दूसरा हम देखेंगे कि वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी में गैंग्लियॉन्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं और किस टाइप के गैंग्लियॉन्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं. तो देखो, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जब हम किंगडम एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे, वहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था कि जितने भी नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, आपको पता है ना आर्थ्रोपोडा नॉन कॉर्डेट्स में आता है, जितने भी नॉन कॉर्डेट्स होते हैं इनके पास वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है, है ना. और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे नर्वस सिस्टम कहाँ पर प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट है. तो मैंने क्या करा है बेटे, यहाँ पर नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक हेड पार्ट कर दिया और दूसरा आई डिवाइडेड द नर्वस सिस्टम इनटू द वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना. अब हम देखते हैं कि कितना पोर्शन,
कितना प्रोपोर्शन हमारे नर्वस सिस्टम का हेड में आता है और कितना प्रोपोर्शन हमारे नर्वस सिस्टम का वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी में आता है. टू बी वेरी क्लियर, हाँ, बिकॉज आप लोग नीट का एग्जाम देने जा रहे हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके पास हर चीज के मैप्स होने चाहिए, हर चीज बिल्कुल ब्रेन में एकदम फिट होनी चाहिए, कि बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए कि अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है, और मुझे इस तरह से पढ़ना है, ताकि फटाक से जैसे एग्जाम में आपका क्वेश्चन आए आपको एकदम क्लियर कट हो और आप तुरंत उसका आंसर दे पाए. ठीक है. नाउ अब बेटे अगर हम यहाँ पर पैरामीटर्स देखते हैं, तो पहला पैरामीटर जो हमारा आता है, फर्स्ट वन, वो आता है कि कितना प्रोपोर्शन नर्वस सिस्टम का हमारा हेड में प्रेजेंट है और कितना प्रोपोर्शन वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट है. तो यहाँ आएगा हमारा प्रोपोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम. ठीक है, कितना प्रोपोर्शन प्रेजेंट है हेड में, कॉकरोच के हेड में बहुत थोड़ा सा पार्ट नर्वस सिस्टम का प्रेजेंट होता है. अगेन आई एम रिपीटिंग, हेड ऑफ द कॉकरोच कंटेन वेरी लिटिल प्रोपोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम. ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हियर, बिट बिट ऑफ नर्वस सिस्टम, बिट ऑफ नर्वस सिस्टम, वेरी लिटिल नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन हेड पार्ट. ओके, एंड आप ऐसा बोल सकते हो कि सबसे ज्यादा प्रपोर्शन, यानी कि बाकी बचा हुआ जितना भी प्रपोर्शन है, वो सारा का सारा कहाँ प्रेजेंट है, वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट है. ठीक है, तो आप यहां पर क्या लिखने, मैं क्या लिखने जा रही हूं यहां पर, मोस्ट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम. ओके, सो पहला पैरामीटर तो हमने देखा, पहला पैरामीटर हमने क्या देखा बेटे, कि कितना प्रोपोर्शन नर्वस सिस्टम का प्रेजेंट है. बिकॉज मैंने आप लोगों को बताया था ना कि कॉकरोच को तीन सेगमेंट्स में हमने डिवाइड किया है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, राइट. तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो हेड वाला पोर्शन है वहां पर बहुत थोड़ा सा नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, और बाकी का जितना भी नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है वो सारा का सारा वेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट है, और कहाँ प्रेजेंट है, थोरेक्स और एब्डोमेन वाले पार्ट में प्रेजेंट है. इसका मतलब यहां पर आ जाएगा, थोरेक्स एंड एब्डोमेन में सबसे ज्यादा नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है. ओके, नाउ सेकंड पैरामीटर देखते हैं. एक्चुअली पैरामीटर से पढ़ने में हमें क्या होता है, आसानी होती है और ईज आती है लर्न करने में, किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने में, लर्न करने में हमको बहुत ईज आती है, राइट. सो कम टू द टॉपिक नाउ, दूसरा पैरामीटर हम देखते हैं कि दूसरा पैरामीटर क्या है. ओके, नाउ द नेक्स्ट पैरामीटर इज स्ट्रक्चर. ओके, सो यहां पर स्ट्रक्चर में क्या देखेंगे, कि कैसा स्ट्रक्चर है नर्वस सिस्टम का, हेड में प्रेजेंट है तो कैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, वेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट है तो कैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, राइट. तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्ट्रक्चर मींस गैंग्लिया, यहां पर गैंग्लिया प्रेजेंट है. ओके, और गैंग्लिया के नेमिंग्स हैं कि कौन सा गैंग्लिया कहाँ प्रेजेंट होगा, कौन सा गैंग्लिया कहाँ प्रेजेंट होगा. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा जो हेड पोर्शन है इसमें प्रेजेंट होता है सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन, राइट, एंड इट रिप्रेजेंट द ब्रेन. जैसे आपके हेड वाले पार्ट में ब्रेन प्रेजेंट होता है, वैसे इसके भी हेड वाले पार्ट में ब्रेन प्रेजेंट होता है, एंड दिस ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन. ओके, नाउ अब सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन कैसे लर्न करें, ठीक है, वो लर्न करने का तरीका भी अभी हम देखते हैं. ओके, नाउ पहले हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन है ये क्या कर रहा है, मतलब कहाँ पर ये
सेंसेशन दे रहा है ना, कहाँ पर ये नर्व्स को सप्लाई कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको एरो के फॉर्म में राइट करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सप्लाई नर्व्स टू, किसको नर्व सप्लाई कर रहा है, सप्लाई नर्व्स टू। एक तो ये नर्व सप्लाई करता है एंटीना वाले पार्ट को, है ना, दिस इज अ सेंसरी ऑर्गन, ये सेंसरी स्ट्रक्चर है कॉकरोच का, ओके। और दूसरा ये जो सेंसेशन प्रोवाइड करता है, नर्व्स प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है कंपाउंड आईज को, कंपाउंड आईज को, ओके। नाउ व्हाट आर कंपाउंड आईज, कंपाउंड आईज क्या होती हैं, सी जैसे फॉर एग्जांपल स्टोन है, ठीक है, या फिर आप ऐसा समझ लो मिरर है, मिरर को आपने क्या करा, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में उसे तोड़ दिया, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, एक टुकड़ा एक पीस को दूसरे पीस के साथ ज्वाइन कर रहे हो, इस तरह से आप क्या करते जा रहे हो, सारे पीसेस को ज्वाइन करते जा रहे हो, है ना। तो आपको क्या मिल रही है, आपको कुछ ऐसी इमेज यहाँ पर देखने को मिल रही है, कुछ ऐसा इमेज, आप ऐसा समझो कि यहाँ पर आपको क्या मिल रही है, आपको पीसेस के फॉर्म में इमेज मिल रही है ना। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज ब्रेक की गई थी, तोड़ दी गई थी, और फिर तोड़ने के बाद उसको जोड़ा गया है, आपको पीसेस के फॉर्म में पैटर्न दिखाई दे रहा है, राइट। और यही जो हमारा पीसेस के फॉर्म में पैटर्न होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मोजेक विजन बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, मोजेक विजन बोलते हैं, राइट। तो मोजेक विजन का मतलब क्या होता है, टुकड़ों में दिखना कोई भी चीज, जैसे अगर कॉकरोच आपको भी देखेगा ना, तो उसको ऐसा लगेगा जो आपके हर पार्ट्स जो है वो उसको टुकड़ों में, टुकड़े में दिखेंगे, और फिर वो टुकड़ों को जोड़ जोड़ के आपका एक पैटर्न बनाएगा, उसको हम बोलते हैं मोजेक विजन। और मोजेक विजन किसकी वजह से दिख रहा है, बिकॉज ऑफ द कंपाउंड आइज, है ना। और कंपाउंड आइज में इनके पास कितने ओमिटीडिया होते हैं, लगभग लगभग इनके पास अप्रोक्सीमेटली 2000, 2000 ओमिटीडिया होते हैं, 2000 ओमिटीडिया इनके पास होते हैं, यानी कि कंपाउंड मतलब ऐसी आईज नहीं है जो प्लेन है, इनके पास भी आईज में क्या है, सेगमेंट्स हैं, इनके आईज में भी क्या है, पार्टीशंस हैं, और उन पार्टीशंस को क्या बोल रहे हैं, ओमिटीडिया बोल रहे हैं, उन ब्लॉक्स को क्या बोल रहे हैं, ओमिटीडिया बोल रहे हैं। और एक कंपाउंड आई में कम से कम कितने ब्लॉक्स होते हैं, 2000 ब्लॉक्स होते हैं बेटे, इसीलिए इनको जो भी किसी भी चीज की इनके पास इमेज बनती है, तो वो छोटे छोटे पीसेस में बनती हैं, पीसेस पैटर्न इनके बनते हैं, और उसी पीसेस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, मोजेक विजन बोलते हैं, है ना। अब ये जो मोजेक विजन होती है, राइट, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, इनकी जो विजन होती है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत ज्यादा, है ना, इनकी जो विजन होती है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, मोर सेंसिटिव, है ना, मोर सेंसिटिव है, और एंड हैविंग लेस रिजोल्यूशन, इनका रिजोल्यूशन ज्यादा नहीं होता, लेस रिजोल्यूशन, ओके, मोर सेंसिटिव एंड लेस रिजोल्यूशन। तो ये किसकी बात थी, ये बात थी सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन की, जो रिप्रेजेंट कर रहा था ब्रेन, हु रिप्रेजेंट ब्रेन, क्वेश्चन आएगा कि कॉकरोच में ब्रेन कौन सा गैंग्लिया रिप्रेजेंट करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन रिप्रेजेंट द ब्रेन विच इज प्रेजेंट इन द हेड पार्ट ऑफ द कॉकरोच एंड सप्लाई नर्व्स टू एंटीना एंड कंपाउंड आईज। व्हाट इज कंपाउंड आई, वट आर कंपाउंड आइज, कंपाउंड आइज आर द, यू कैन से कि कंपाउंड आइज क्या है, ये एक ओमिटीडिया का पैटर्न है, बहुत सारे ओमिटीडिया मिलकर कंपाउंड आइज बनाते हैं, नियर अप्रोक्सीमेटली 2000 ओमिटीडिया कंबाइंस एंड मेक द कंपाउंड
eye which have more sensitivity and less resolution. Okay, so आपको ये भी learn करना है कि supra esophageal ganglion which represent the brain किस किस को नर्व सप्लाई करती है. तो आप बोलोगे कि ये एंटीना को नर्व सप्लाई करती है और कंपाउंड आईज को नर्व सप्लाई करती है. दैट्स इट. फिर हम आते हैं वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी में. दिस वन वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी में. ओके, आई एम रबिंग दिस डायग्राम फ्रॉम हियर. नाउ सी, पहले हम क्या करते हैं बेटे, हैव अ लुक ओवर अ इमेजिनरी डायग्राम. सपोज ये हमारे पास क्या है, गैंग्लियन है जो कि हेड पार्ट में प्रेजेंट है. एंड दिस वन विल बी द ईसोफेगस. सपोज ये ईसोफेगस है, ठीक है. तो ईसोफेगस के आगे मींस अपर साइड में ऊपर की तरफ जो गैंग्लियन प्रेजेंट होगा, दिस वन ईसोफेगस के ऊपर जो गैंग्लियन प्रेजेंट होगा, दिस वन, उसको हम क्या बोलेंगे, सुप्रा. सुप्रा मींस अबव. सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन. ओके, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन. ओके, एंड दिस वन विल बी द ईसोफेगस. ये क्या होगा, दिस वन विल बी द ईसोफेगस, राइट. ये हमारा ईसोफेगस है. ओके, अब सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन कहाँ प्रेजेंट है, हेड वाले पार्ट में प्रेजेंट है, राइट. ये हेड पोर्शन में प्रेजेंट है एंड इट रिप्रेजेंट द ब्रेन. ये हमारा ब्रेन रिप्रेजेंट कर रहा था, राइट. सो अब क्या होगा, यहाँ पर हमारे जितने भी गैंग्लियन्स होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे एक लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव से कनेक्ट होंगे. अ पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स, ठीक है. आप ये देखो ना, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, दिस वन, काम करते हैं इसको कलरफुल कर देते हैं थोड़ा सा ताकि ये इजीली आइडेंटिफाई हो. देखो, दिस वन विल बी द ईसोफेगस, दिस वन विल बी द गैंग्लियन, ओके, एंड अगेन दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल, अ पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव. ओके, सी वेंट्रल बॉडी में प्रेजेंट है. हमने क्या बोला कि जो नर्वस सिस्टम है वो वेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट है और पूरी बॉडी में फैला हुआ है, ठीक है. हेड से लेकर एब्डोमेन तक पूरी बॉडी में नर्वस सिस्टम फैला हुआ है इन द फॉर्म ऑफ गैंग्लियन. और ये कहीं ना कहीं तो जाकर जुड़ रहा होगा ना गैंग्लियन, कोई ना कोई तो गैंग्लियन को आपस में जोड़ रहा होगा. तो ये जो गैंग्लियंस जुड़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही हूँ, ये जो गैंग्लियंस आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स, ठीक है. तो हम क्या बोलेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा हेड का गैंग्लियन एब्डोमन के गैंग्लियन के साथ कनेक्टेड है और एब्डोमन का गैंग्लियन थोरिक्स के गैंग्लियन से कनेक्टेड है. हेड थोरिक्स से कनेक्टेड है, थोरिक्स एब्डोमन से कनेक्टेड है और इन सबके जो गैंग्लियंस हैं, हेड का जो गैंग्लियन है वो थोरिक्स के गैंग्लियन के साथ कनेक्टेड है और वही जो है फिर एब्डोमन के गैंग्लियन के साथ भी कनेक्टेड है. तो ये जो गैंग्लियन है वो फ्यूज्ड फॉर्म में है, मींस कनेक्टेड फॉर्म में है. और ये फ्यूज्ड फॉर्म में कैसे प्रेजेंट है, कोई तो इन्हें आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज कर रहा होगा. तो ये जो फ्यूज हो रहे हैं वो हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स. तो ये क्या है बेटा, अ पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल
कनेक्टिव, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव है और कहाँ प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड में, आगे की तरफ प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है। और यही लाइन क्या कर रही है, जो लाइंस दिख रही है जो मैंने ग्रीन से बनाई है, दीज आर द पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव, यही लाइंस क्या कर रही है, हर सेगमेंट में मिलने वाले गैंग्लियॉन्स को एक दूसरे के साथ फ्यूज कर रही है। ओके, सपोज ये थोरिक्स का गैंग्लिया है, सपोज ये थोरिक्स का गैंग्लिया है, दिस वन, ये ब्लैक वन जो है थोरिक्स का गैंग्लिया है, तो ये क्या हो रहा है, इस कनेक्टिव से जाकर जुड़ा है, अ पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव से जाकर जुड़ा है। और उसके बाद फिर ये किससे कनेक्टेड है, हेड वाले के सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन से, इससे, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन से जाकर कनेक्टेड है। सपोज यहाँ पर मैं फिर से बना रही हूँ, देखो ये हमारा हेड का सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन है, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन है हेड का, फिर ये कनेक्टिव्स आ गए, लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स आ गए, और इन्होंने थोरेक्स के गैंग्लियन के साथ जाकर इसको फ्यूज कर दिया। तो अब आप क्या बोलोगे कि ये जो हेड का गैंग्लियन है ये थोरिक्स के गैंग्लियन के साथ फ्यूज्ड है, और कौन फ्यूज कर रहा है, अ पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स फ्यूज कर रहे हैं जो कि वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है, एंड दिस लाइन विल बी द, ये जो दो लाइन्स हैं, दीज आर द पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स। समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी में हम क्या देखने वाले हैं, देखो ये एक इमेजिनरी डायग्राम है, ओके, हमने इसमें क्या कर रखा है, सिर्फ एक्सप्लेन कर रखा है कि गैंग्लियाज मिलते हैं आर्थ्रोपोडा में, और ये जितने भी गैंग्लियाज होते हैं, गैंग्लिया ऑफ हेड, गैंग्लिया ऑफ थोरेक्स, गैंग्लिया ऑफ एब्डोमन, ये सब आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड रहते हैं, और फ्यूज्ड करने के लिए जो कनेक्टिव प्रेजेंट है दैट विल बी द पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव विच इज प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी ऑन द वेंट्रल साइड। क्लियर है डायग्राम, ओके। नाउ अब इस वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी में हमने बोला कि सारे के सारे गैंग्लियंस यहीं प्रेजेंट हैं, सिर्फ सुप्रा ईसोफेगियल ईसोफेजियल गैंग्लियन को छोड़ के जो कि ब्रेन वाले पार्ट में प्रेजेंट था, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहने वाले हैं, यहाँ पर हम बोलेंगे कि जो हमारा वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी है यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, मोस्ट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम मिलेगा, ऑलरेडी रिटर्न है ना, और क्या मिलेगा आपको यहां पर, पेयर्ड लॉन्गिट्यूडिनल, पेयर्ड लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव्स मिलेंगे, है ना, जो कि एक गैंग्लिया को दूसरे गैंग्लिया के साथ फ्यूज्ड कर रहे हैं, और क्या मिलेगा आपको, विद सीरीज ऑफ फ्यूज्ड गैंग्लिया, विद सीरीज ऑफ फ्यूज्ड गैंग्लिया, ठीक है। और सारे गैंग्लिया कैसे होंगे बेटे, आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होंगे, ओके। नाउ वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी में मैंने आपको क्या बोला था कि थोरेक्स और एब्डोमन आएगा, तो आपको क्या लर्न करना है बेटे कि थोरेक्स में, ओके एक काम करते हैं, हम यहां पर लिखते हैं, कम हेयर, ओके, हम यहां पर लिखते हैं थोरिक्स में जो हमें गैंग्लिया मिलेंगे वो थ्री गैंग्लिया मिलेंगे, लर्न कर लेना भाई, ओके पूछा जाएगा आपके नीट एग्जाम में, ओके। और एब्डोमन रीजन में सिक्स गैंग्लिया मिलेंगे, मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि आप यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर नीट, तो हर चीज आपके दिमाग में एक मैप की तरह होनी चाहिए, राइट, कौन से पार्ट पर आपको हिट करना है, कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पर वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी में हमने बोला सबसे ज्यादा पोर्शन यहीं पर नर्वस सिस्टम का प्रेजेंट है, यहाँ पर दो हमें लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स मिलेंगे, और वही क्या करेंगे, सारे गैंग्लियंस को एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे,
ओके तो ये थोरेक्स और एब्डोमन में कितने कितने गैंग्लिया मिल रहे हैं? थोरेक्स में 3 गैंग्लिया प्रेजेंट है, एब्डोमन में 6 गैंग्लिया प्रेजेंट है और ये आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड। ये मत भूलना भाई कि कनेक्टिव्स द ब्रेन एंड ऑल नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड बिकॉज ये नॉन कॉर्डेट है। ओके दैट्स इट। सो इतना ही हमको क्या करना था, नर्वस सिस्टम में पढ़ना है। राइट, सो नर्वस सिस्टम को बहुत इजी तरीके से पढ़ना बेटा, एक इमेजिनरी डायग्राम अपने माइंड में बना लेना। राइट, एक इमेजिनरी डायग्राम अपने माइंड में बना लेना, उसके बाद आप इसको पढ़ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स क्या होते हैं और गैंग्लिया फ्यूज्ड किस तरह से होते हैं। आर्थ्रोपोडा आपने पहले ही पढ़ रखा है तो आपको पता है कि हमारे पास कॉकरोच में 3 सेगमेंट्स होते हैं, तो 3 हेड में सिर्फ एक गैंग्लिया प्रेजेंट। ओके, हेड में सिर्फ एक गैंग्लिया प्रेजेंट है, दैट विल बी द सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन, और बाकी वेंट्रल साइड में थोरेक्स और एब्डोमन में, थोरेक्स में 3 गैंग्लिया प्रेजेंट है और एब्डोमन में 6 गैंग्लिया प्रेजेंट है एंड दे ऑल आर कनेक्टेड विद द अ पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव विच इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड। ओके, सो ये भी आपको कहाँ कहाँ पर अब आपको इसमें हिट करना है वो देखिए, आपको यहाँ पता होना चाहिए कि ब्रेन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट, ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय विच गैंग्लिया, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन कहाँ कहाँ पर अपने नर्व को सप्लाई कर रहा है। ओके, थर्ड जो चीज आपको पता होना चाहिए कि जितने भी गैंग्लियंस हैं वो सारे किस तरह फ्यूज्ड हैं, तो अ पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव टिश्यूज इनको क्या कर रहे हैं, कनेक्टिव सॉरी इनको क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज कर रहे हैं। सेकंड थिंग, लास्ट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है, थोरेक्स में कितने गैंग्लिया प्रेजेंट है और एब्डोमन में कितने गैंग्लिया प्रेजेंट है। दैट्स इट, इससे ज्यादा आपसे कोई नहीं पूछने वाला। ओके, नाउ कम टू दी सेंस ऑर्गन। ओके, सो हम अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे कि कौन कौन से सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं नर्वस सिस्टम में। ओके, और उनका फंक्शन क्या होता है। सो आई होप कि आपको नर्वस सिस्टम एकदम क्लियर समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी through my YouTube channel, or if anybody have my WhatsApp number, then you can contact to me through my WhatsApp number. Okay, thank you so much.